देखो बेटा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स असाइनमेंट नंबर 3। तो बेटा इहदा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, टू स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी। तो स्फेरिकल बॉडीज है बेटा ए एंड बी। स्फेरिकल बॉडीज ए एंड बी दे विच ए दा रेडियस है 6 सेंटीमीटर और बी दा रेडियस है बेटा 18 सेंटीमीटर। ए दा टेंपरेचर है T1, बी दा टेंपरेचर है T2 रेस्पेक्टिवली। एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज एट 500 नैनोमीटर। तो थानू याद आना चाहिए जब भी उन्हें ना स्टेटमेंट में लिखा मैक्सिमम इंटेंसिटी इन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ ए इज एट, तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो लैम्डा एम 1 की वैल्यू है 500 नैनोमीटर और लैम्डा एम 2 की वैल्यू है 1500 नैनोमीटर। कंसीडरिंग देम टू बी ब्लैक बॉडीज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए एंड बी विल बी। तो अगर आप इन्होंने ब्लैक बॉडीज मानते हैं तो रेशियो ऑफ द रेट ऑफ टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ए एंड बी विल बी। तो हुन थानू याद आना चाहिए स्टीफन्स लॉ। तो स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंगली बेटा ध्यान दो कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ब्लैक बॉडी ले उनका सिग्मा। तो अगर सिर्फ उन्हें की पूछा रेट मतलब पावर एनर्जी पर सेकेंड तो वो बन जाना पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए और ए सरफेस एरिया ऑफ बॉडी है बेटा और स्फेरिकल बॉडीज होने करके ए की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आ पावर का फार्मूला है। तो असी की करना पुत्र इतो देखो पावर दी रेशियो निकालनी है तो सिग्मा दोनों लिए सेम है 4 पाई भी सेम है तो R1 स्क्वायर T1 ओवर R2 स्क्वायर T2 रेशो आ जाएगी। पर थानो R1 R2 बेटा गिवन है बट T1 T2 नहीं गिवन। हुन ओदे लई वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट तो इट मींस T1 T2 की रेशो ते लैम्डा M2 ओवर लैम्डा M1 की रेशो है ना। तो इथे तो थोड़ा जरा आंसर आएगा पुत्र तो थानू R1 R2 लैम्डा M1 लैम्डा M2 सब गिवन है तो सॉल्व कर सकते कोई मुश्किल काम नहीं है ना। बस ये अभी राइट टाइम ते राइट फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए बस। फिर देखो बेटा ये जो असाइनमेंट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 तो इसी स्टेटमेंट नु अगर तुसी ध्यान दे नाल ऑब्जर्व करो ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू
concentric spheres of radii R1 and R2 kept at temperatures T1 and T2 respectively, the radial rate of flow of heat in substance between the two concentric spherical shells is proportional to. मतलब हाँ बेटा, रेडियस आर वन है, रेडियस आर टू है, तो आ टेम्परेचर टी वन है बेटा, आ टेम्परेचर टी टू है, तो हीट फ्लो कर रही है। हूँ देखो, हूँ इस स्टेटमेंट दे विच थानू ये नहीं दसिया कि आर वन आर टू चो कौन ग्रेटर देन है, T1, T2 चो कौन ग्रेटर देन है, इस करके तुसी फ्री है अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करने लिए। तो आपा मान लेने हैं पुत्र, है ना, आपा मान लेने हैं कि R1 R2 तो छोटा है और T2 तो छोटा है, तो आपा फ्री है क्योंकि ये कुछ नहीं दसता है, कोई गल नहीं। हुन जदो आ हायर और आ लोअर टेम्परेचर है तो हीट बेटा इस तरफ फ्लो करेगी, तो इस तरह फ्लो करेगी। हुन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का मतलब है dQ/dt, थर्मल करंट, हीट करंट। तो हुन देखो पुत्र, हुन इधर विच कंसेप्ट की आएगा वो ध्यान नाल समझना तुसी। देखो कि क्योंकि अपना हायर और लोअर है तो हीट इस तरफ आ रही है ना, हुन तुसी की करना है इस आज का स्फेरिकल शेल है ऑफ थिकनेस दिस वन, इस शेल की थिकनेस की है R2 - R1 वाली थिकनेस, तो इधर जो हीट फ्लो कर रही है, हुन थानो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लिए आ फार्मूला यहां आना चाहिए। और अगर तुसी देखो तो तुसी अपने दिमाग दे विच इमेजिन करो कि ये जो स्फेरिकल शेल है, आ जड़ा एडा मोटा शेल है, कितना बनया होएगा, एक पतला शेल है उसके ऊपर एक थोड़ा होर शेल और फिर शेल और फिर शेल इदा जुड़ते गए। तो हुण बेटा आ मैं थोड़े सामने शो कर रहे हैं, तो आ जरा ग्रीन कलर का शेल नजर आ रहा थानू, तो इस शेल का रेडियस आपा मान लेने हैं आर, और इस शेल की थिकनेस मान लेने हैं पुत्र डी आर। तो आपा अज्यूम करांगे कि इदां दे ग्रीन कलर वाले अलग अलग रेडियस वाले शेल्स एक दूजे दे नाल सुपरइम्पोज करके एक वड्डा शेल बनया। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं कि ये जिहड़ी हीट है ये इस तरह के सारे एलीमेंट्री शेल्स दे विचों दी होके आ रही है, मतलब ये सारे शेल्स इन सीरीज है। तो उहदे लई असीं की करदे हां पुत्तर, सीरीज दे विच तुहानूं पता वा कि जिन्ने भी जिद्दां आपां इलैक्ट्रिसिटी दा टॉपिक पढ़ने आ कि अगर मान लो दो रेजिस्टर सीरीज च कनेक्टेड है तो उस सीरीज कॉम्बिनेशन दी टोटल करंट ते करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम हुंदा वा। उसी तरह नाल जदों साडे मटेरियल्स आपस दे विच थर्मली सीरीज दे विच कनेक्टेड है तो उस केस दे विच dQ/dt थर्मल करंट थ्रू टोटल थर्मल करंट ते करंट थ्रू ईच एलिमेंट सेम होएगा। इहदा मतलब आ जड़ा पोर्शन है इट इज कांस्टेंट, एदी वैल्यू टोटल ले भी सेम है और हर एलिमेंट ले भी सेम होगी। हुण जदों तुसी एदे लई अप्लाई करोगे पुत्र, एदे लई स्मॉल एलिमेंट ले, तां आ जड़ा कांस्टेंट है ए के, और एदा सरफेस एरिया की आएगा पुत्र, क्योंकि ये बड़ा पतला ये शेल है तो शेल का सरफेस एरिया होगा 4πr² और टेम्परेचर डिफरेंस dT है और थिकनेस इसकी
वाली टर्म कांस्टेंट है, तो हम दोबारा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना हम, जब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ कांस्टेंट है dr k 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू dt। तो हम जब आप इंटीग्रेट करेंगे बेटा कांस्टेंट k 4 पाई तो हम तो सी नो इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने की लिमिट्स की लाऊंगे बेटा जब आप इस साइड पे यहां का टेंपरेचर है t2 और रेडियस है r2, और जब आप इथे पहुंचेंगे टेंपरेचर t1 रेडियस r, तो बस खत्म हो गया काम। कांस्टेंट ओवर 4 पाई k, तो r का कांस्टेंट है ना यार dq by dt ये बात जो पुट कर लेंगे थर्मल करें, तो हम इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन तो बाद 1 माइनस माइनस 1 बाय r आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो r2 r1 इज इक्वल टू 4 पाई k, तो आ माइनस साइन बाहर करना काट लो तो 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, तो आ माइनस साइन के अंदर ले जाने हैं तो इतना लिखा जा सकता है। हुन बेटा आपा की दसना वाइज केस दे विच रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब आ जेड़ा कांस्टेंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू की है दिस कांस्टेंट is equal to T1 minus T2 into 4 pi K over आज भी टर्म है तो इस सब्सटेंस जो थर्मल करंट फ्लो कर रहा है वो दी वैल्यू इस डे बराबर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्टिकुलरली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू ना, तो इन्हों समझें जो हो सकता कुछ मुश्किल आए तो इन्हों अंडरलाइन कर लेना ताकि अगर डाउट्स आते हैं तो अपन फिर दोबारा क्लियर कर सकें। समझ आ रही है बेटा थोड़ी बहुत वेल? थर्ड देखो, ए स्फीयर एंड क्यूब मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम सरफेस एरिया आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड केप्ट इन द सेम सराउंडिंग द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग विल बी। गल समझो पुत्र, देखो इस कंसेप्ट नू मतलब ये आंसर करनु थानो एक ता स्टीफंस लॉ दे बारे पता होना चाहिदा कि एनर्जी रेडिएटेड जिनु आपा पावर रेडिएशन पावर भी कह देने हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, तो वो केदे बराबर होती है बेटा स्टीफंस लॉ के अकॉर्डिंगली वो होती है सिग्मा ए T4। पर हम याद रखो पुत्र एक गल कि ये फार्मूला होंदा जदों एक सिंगल बॉडी एनर्जी एमिट कर रही है, पर अगर ओदे अराउंड सराउंडिंग नु भी कंसीडर करना फिर तुम्हारा ये फार्मूला इदा बन जाता है। और अगर ये बॉडी नॉन ब्लैक बॉडी है तो नाल एमिसिविटी भी आ जाती, तो एमिसिविटी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी दे डिपेंडेंट। अच्छा हुन dq दी वैल्यू जदों आप इथे मान के चल रहे हैं कि जदों कोई बॉडी एनर्जी एमिट कर रही है तो ओदा टेंपरेचर फॉल कर रहा है, तो dq वाला फार्मूला अगर टेंपरेचर
चेंज ना रिलेट करना तो एमसी डीटी लिख सकते हैं, तो इधर आ जाएगा एमसी डीटी बाय, तो आई की टर्म है, दिस इज नोन एज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। मतलब ये मैं इस प्रॉब्लम नु सॉल्व करने लिए पूरी स्टार्टिंग अप्रोच दस दी थानो, हूं बेटा वो की कह रहा है, देखो वो कह रहा है एक स्फीयर है और दूसरा क्यूब है, दोनों का मटीरियल सेम है, जे दोनों का मटीरियल सेम है इट मींस दोनों की एमिसिविटी सेम, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम है, और स्टीफन्स कांस्टेंट का सारे वाले होता ही सेम है। अच्छा हुन एक ही है पुत्र, सेम हैविंग सेम सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी सेम है, ये भी गल क्लियर होगी। तो अच्छा दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड कैप्ट इन द सेम सराउंडिंग, तो दोनों चाहे स्फीयर है चाहे क्यूब है दोनों का अपना टेम्परेचर भी सेम है और सराउंडिंग का भी सेम है, इसका मतलब आ टर्म भी दोनों लिए सेम होगी, तो अभी दोनों लिए सेम अभी दोनों लिए सेम अभी अभी और अभी, इसका मतलब जिहड़ा रेट ऑफ कूलिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया। अच्छा हुन इत्थे आके ध्यान की देना, मास किहदे बराबर हुंदा बेटा, हुन मटीरियल सेम होने का मतलब है दोनों की डेंसिटी भी सेम है ना, तो दोनों की डेंसिटी भी सेम है। हुण इस गल नूं आपां इत्थे लै चलीए कि दोनों का एरिया भी सेम है, हुण बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनिया पुत्र, तो इहनूं आपां ए और एम इदां लिखिए। हुण ए की है सरफेस एरिया, जिहड़ा स्फीयर है जिहड़ा स्फीयर है उहदा सरफेस एरिया की है, स्फीयर का सरफेस एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ते स्फीयर का मास, स्फीयर का मास पुत्र वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो आप हमने तो सॉल्व करी है, तो ये एक्चुअली फॉर स्फीयर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बार बार कह रहे हैं, तो ए स्फीयर के लिए ए बाय एन की वैल्यू काट रहे हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर जो इनकार आ 3 ऊपर चला गया तो नीचे आ गया आर रो, ठीक है, तो इसका मतलब फॉर स्फीयर जो ए बाय एम की वैल्यू आई वो कितनी आ गई पुत्र 3 आर रो। अच्छा जे आप क्यूब की गल करते हैं, फॉर क्यूब हम तो समझ आनी चाहिए, जो क्यूब होता उसकी एक फेस का एरिया है ए स्क्वायर या एल स्क्वायर, तो ये 6 फेसेस है तो उसका एरिया हो गया 6 एल स्क्वायर, मास है वॉल्यूम एल क्यूब इनटू डेंसिटी, फॉर क्यूब एल, ठीक है। हुण पुत्र इत्थों आके अगली गल शुरू हुंदी, आपां लगना की सीगा रेशियो ऑफ देयर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, तो रेशियो कटनी सी इहनां दी, तो डीटी बाय डीटी फॉर स्फीयर ते डीटी ओवर डीटी ऑफ क्यूब, इहदी रेशियो जदों लाओगे तुसीं क्योंकि डेंसिटी मटीरियल ते डिपेंड करदी है, ये दोनों लई सेम है, तो
सिक्स बाय एल लिखा तो आल ऊपर चल जाना हूँ इतने आके थोड़ा आंसर हाले भी रुक गया वो कितना है कि पूरा कितों होएगा हूँ पूरा होने लू कि गल का इंतजार करना पड़ेगा तो हम आ देखो आटेप्स हो गए थोड़े लिए उन्होंने की किया कि चाहे स्फीयर है चाहे क्यूब है दोनों का सरफेस एरिया बराबर है तो स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर ए क्यूब का 6 एल स्क्वायर ये बराबर है दोनों का सरफेस एरिया हुण इतों तुसी एल बाय आर की रेशियो इतों कट सकते हैं एल स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई बाय 6 तो 2 3 तो L by R की रेशो आ गई रूट तो आ वैल्यू इतने पुट करो तो थोड़ा आंसर क्या आ जाएगा स्फीयर क्यूब तो आंसर आ गया तो आ रेशो आ गई 4 आ गया तो ए थोड़ा फाइनल आंसर आ गया तो ए गल समझ आई है पुत्र स्टेप्स जेड़े है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो इनू थॉरली करना तुसी फिर देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है क्वेश्चन नंबर 4 दे अकॉर्डिंगली थानू डायग्राम क्योंकि असाइनमेंट सेंड की हुई है तुसी उहदे च देख सकते हैं देयर आर टू रैक्टेंगुलर ब्लॉक्स और आइडेंटिकल डायमेंशनस दे इको तरह के दो ब्लॉक्स है तो जिहड़ा केस 1 है कॉन्फिगरेशन 1 है आ केस 1 है बेटा तो थानू पता होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ए डी टी वाई डी एक्स आ फार्मूला होता ना ये बराबर हूं देखो बेटा इतने आ टेंपरेचर अगर मान लो T1 है आ T2 है T2 लेस देन T1 है तो हीट ने इस तरह फ्लो करना तो ए सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज ठीक है और पैरेलल कॉम्बिनेशन की है पुत्र आ वाला सेकंड हीट ने इधर जो फ्लो करना तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा हुण वो की कह रहे हैं देखो स्टेटमेंट नु समझो वो कह रहे हैं द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स इज सेम इन बोथ केसेस वो मैं दोनों केसेस की टेंपरेचर डिफरेंस सेम मान लिया It takes 9 seconds to transport certain amount of heat from hot end to cold end in the configuration 1. The time to transport the same amount of heat in configuration 2. So, D heat dono cases ch same hai. Matlab aa DQV value dono cases ch same hai. Par itthe heat nu flow karan layi time laga beta 9 seconds.
और इधर कितना टाइम लगेगा वो अपन निकालना। हुण इस केस दे विच हुण एक्चुअली गल सौखा तरीका कितना वा जेड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कंसैप्ट है ना वो नाल तुसी थोड़ा ईजी फील करते हैं टैकल करते वक्त। तो थानू पता करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस है ना। तो हुण ध्यान दियो पुत्र इत्थे मैं उही गल ते आ रहा हां। तो हुण जदों थानू वो गल समझ आ चुकी है कि करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस तो इत्थे करंट जिहड़ा इलैक्ट्रिक करंट की जगह पर थर्मल करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर टैंपरेचर डिफरेंस है। तो इस केस दे विच जिहड़ा थर्मल करंट है वो किहदे बराबर है टैंपरेचर डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। पर ये जिहड़ी रेजिस्टेंस है थर्मल रेजिस्टेंस ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है और आप पैरेलल है। तो जदों हम आप रेशियो लगाएंगे हाँ कैंसल आउट हो जाएगा अभी कैंसल आउट हो जाएगा तो आ टी ऊपर चल जाना टी बाय 9 इज इक्वल टू आ ऊपर गया आ जाएगा। अच्छा हुण जिहड़ा आर पी है गल आराम नाल समझना ना तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा डिटेल च जिहड़ा आर पी है तो आ आर वन रेजिस्टेंस है आ आर टू रेजिस्टेंस है। जिहड़ी आर वन है रेजिस्टेंस और आर टू है सीरीज दे विच आर एस की हो जाएगा पुत्र आर वन प्लस आर टू ते आर पी की होंदा आर पी की वैल्यू तुहानू पता वा वन ओवर आर पी होंदी है आ वाली वैल्यू तो फिर आर पी की हो गया आर वन आर टू ओवर आर वन प्लस तो आ आर पी की वैल्यू इत्थे पुट करांगे तो जो आप पुट करूंगा तो आ बन जाना आर वन आर टू और आर स्क्वेयर हो गए। चलो हुण इस तो अगला स्टेप है ना ये सारे डिटेल दस्या था मैं हुण आर वन आर टू की वैल्यू कितों आएगी पुत्र आ जी रेजिस्टेंस है तो अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेना ए ते लेंथ मान ले एल तो आर वन आ गया 1 ओवर के क्योंकि रेजिस्टेंस की होती है तो हमें याद है ना इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया तो एरी लेंथ है एल और एरिया की है ए और आर टू की वैल्यू आर वन आर टू की वैल्यू इतने पुट करके तुम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके नाले सॉल्व करना मतलब एक डिटेल थानू सारा गल दसी गई है ना कर लूंगे बेटा। देखो आज 6 देख लो बेटा द अर्थ रिसीव्स एट इट्स सरफेस रेडिएशन फ्रॉम द सन एट द रेट ऑफ 1400 वॉट पर स्क्वायर मीटर। The distance of the center of the sun from the surface of earth is 1.5 into 10 raised to power 11 meter and the radius of the sun is 7 into 10 raised to power 8 meter. Calculate the temperature of the sun treating it as a black body if Stefan's constant is this one. Stefan's constant ki value hoti hun dekho putar gal nu samjho तो कंसेप्ट नु पकड़ो आ थोड़ा है
रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय द सन, तो उनकी क्या, सन को ट्रीट करो एज ए ब्लैक बॉडी। तो कोई भी ब्लैक बॉडी एनर्जी पर सेकेंड कितनी एमिट करती है, वो अपन स्टीफन्स लॉ तो दस सकते हैं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा। तो जे सन की गल आ रही है तो सन का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सन के नाल टेंपरेचर ऑफ सन की पावर 4, तो ए बनेगा। हुण 4π, हुण क्योंकि सन स्फेरिकल शेप च है तो इहदा सरफेस एरिया बनेगा 4πr², तो आ रेडियस ऑफ सन है। तो क्या आपू रेडियस ऑफ सन दिता हुआ बेटा, तो स्टेटमेंट देखो, रेडियस ऑफ सन दिता हुआ 7 × 10⁸ m। तो इतने यूज हो जाएगा, सिग्मा भी गिवन है। अच्छा, और आज भी एनर्जी पर सेकेंड एमिटेड बाय सन है, एक इन ऑल डायरेक्शंस स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। हुण अगर असी इस सन को बनिए सेंटर, सन और अर्थ दे विच जो डिस्टेंस है, सन ते अर्थ दे विच जो डिस्टेंस है उन्हों मन के रेडियस, एक स्फीयर इमेजिन करिए। आ एक मैं स्फीयर इमेजिन कर लिया, तो ये जो स्फीयर मैं इमेजिन किया उसके सेंटर ते सन है, और आ जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है इस डिस्टेंस की, जिन्ना सन और अर्थ दे विच दूरी है, और वो सानू दित्ती हुई है, तुहानू पता ही है 1 astronomical unit। हुण होएगा कि आ जिहड़ी एनर्जी है जिहड़ी सन ने एमिट कीती है, वो सारी एनर्जी आके इस ग्रीन कलर वाले जिहड़ा आपां स्फीयर इमेजिन कीता इहदे ते फॉल करेगी। आ जिहड़ी एनर्जी इस स्फीयर ते फॉल कर रही है अंदर, वो उही है जिनी एक सेकेंड सन ने एमिट कीती है, आ वाली एनर्जी के बराबर। पर ये एनर्जी असीं कित्थों कैलकुलेट करनी है, वो की कह रहा कि अगर आपां दिमाग च सोचिए कि आ बेटा अर्थ है, तो सन के कारण इस अर्थ के उपर जिहड़ी एनर्जी पहुंच रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो कितनी है, 1400 वॉट पर। इहदा मतलब सन दे कारण अर्थ ते अगर इन्नी एनर्जी पहुंच रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो इस पूरे स्फीयर के ऊपर पर सेकेंड कितनी एनर्जी पहुंचेगी, तो आपां इस वॉट पर स्क्वायर मीटर नूं इहदे एरिया नाल, तो एनर्जी received by the sphere of radius per second, एक इधर साधन कितनी होगी, 1400 × इधर एरिया 4π। तो आ एनर्जी और आ एनर्जी बराबर है, क्यों, क्योंकि आ एनर्जी कितों आई, सन तो। तो ये एनर्जी जिन्नी सन ने एक सेकेंड च एमिट की उन्नी इस स्फीयर के सरफेस से एक सेकेंड च पहुंच रही है। तो इन्हों दोनों को इक्वेट करके बेटा, इन्हों दोनों को इक्वेट करके तुम टेंपरेचर निकाल सकते हैं। तो 4π कैंसल आउट हो जाने हैं, रेडियस ऑफ सन ते रेडियस ऑफ दिस स्फीयर उदिया वैल्यूज थानू दित्तियां वा, इन्हां दोनों नूं इक्वेट करके तुसीं रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑबटेन कर सकदे। इत्थे तक कोई डाउट बेटा? सब नूं क्लियर है? ठीक है।
तो एक्चुअली जेड़ा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा वो थोड़े जो हम जेड़े प्लस 1 वाले स्टूडेंट्स है क्योंकि उन्होंने ना प्लस 2 का कंसेप्ट नहीं पढ़िया व्हीटस्टोन ब्रिज वाला इस करके उन्होंने ये समझ नहीं आना है हाले आज दे लिए छड़िया जा सकता है ना तो क्वेश्चन नंबर 5 बट जेड़े कॉम्पीटिशन वाले स्टूडेंट्स है गए हम क्लास दे विच इत्थे तो उन्होंने फिर मैं कल अलग जी 3 बजे क्लास लगेगी ना अपनी तो वो करावगा बहुत तो अज के जेडे नुमेरिकल थानू मैं 5-6 दिते है किते अपना तो ये कंसैप्ट समझना वा एक्चुअली नुमेरिकल की स्टेटमेंट तो रिजल्ट तक किदा पहुँचना उन्हों समझना जरूरी है साढ़े लिए है ना उन्हों पकड़ना वा उस गलू कि पहुँच रहे हैं आप और रिक्वायरमेंट है साड़ी की आना चाहिए वा।